और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी अगली खबर आपको हम बता दें हरियाणा से, जहां आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, डिप्टी सीएम का हिसार दौरा आज रहने वाला है और आदमपुर में दुष्यंत चौटाला प्रचार करेंगे। जी हां, गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। आज बालसमंद में जनसभा उनकी ओर से की जाएगी, तो बालसमंद में आज जनसभा करेंगे आदमपुर में दुष्यंत चौटाला, आज प्रचार करेंगे। तो दुष्यंत चौटाला का आज प्रचार रहने वाला है, गठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे, वोटों की अपील उनकी ओर से की जाएगी। आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कुल मिलाकर ये सबसे ज्यादा खास बात इन दो दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रचार के लिए दो दिन बाकी बचे हैं तो धुआंधार प्रचार होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी। आज बालसमंद में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम, उनका हिसार का दौरा आज रहने वाला है और साथ ही आदमपुर में जहां दुष्यंत चौटाला प्रचार करेंगे और साथ ही गठबंधन के प्रत्याशी के लिए समर्थन में चुनाव प्रचार उनका रहेगा, तो जाहिर तौर पर इस दौरान बाकी जो दल हैं उन पर भी जमकर निशाना साधते नजर आएंगे। तो आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आज प्रचार का दिन रहने वाला है, धुआंधार प्रचार किया जाएगा, प्रचार के लिए दो दिन बाकी रह गए हैं और इसके बाद आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बात इनेलो की जाए, बात आम आदमी पार्टी की जाए, कांग्रेस की जाए, बीजेपी की जाए, तो यहां पर पूरा दमखम दिखाते नजर आएंगे। अब ऐसे में डिप्टी सीएम का हिसार दौरा आज रहने वाला है और गठबंधन प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुलदीप हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, प्रचार के लिए दो दिन शेष रह चुके हैं कुलदीप, और ऐसे में धुआंधार प्रचार आज और कल देखा जाएगा। ऐसे में अगर बात की जाए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की, तो आज उनका जो कार्यक्रम है क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से ये रैली रहने वाली है? बिल्कुल दीपिका, आदमपुर उपचुनाव का जो आखिरी दौर है वो अब शुरू हो गया है और आदमपुर में जो है इसके साथ ही नेताओं का महाकुंभ भी शुरू हो गया है। आज जो है आदमपुर उपचुनाव को लेकर कई बड़ी बड़ी जनसभाएं हैं। आदमपुर के बालसमंद गांव, जो सबसे बड़ा गांव माना जाता है आदमपुर हलके का, वहां जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जनसभा करेंगे। उसके बाद दोपहर बाद शाम को जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसी गांव में रोड शो करेंगे। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा, उनका भी एक छोटा कार्यक्रम है गाँव में। इसके अलावा तमाम जो है पूरी बीजेपी की कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी जो है मैदान में मौजूद है और इसके साथ ही जो है तमाम पार्टियां लगातार प्रचार में जुटी हुई है। आदमपुर उपचुनाव में जो है आखिरी दौर में कहीं ना कहीं हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जितने से जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि अभी तक जो है कयास लगाए जा रहे थे कि जेजेपी जो है मैदान में नहीं आएगी, क्योंकि इतने दिनों तक जेजेपी के कोई भी बड़े नेता गठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रचार में नहीं दिखे थे और अब दो दिन पहले ही जेजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं देवेंद्र बबली, वो मैदान में दिखे थे, इक्का दुक्का गांव में वो गए थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह और राजेंद्र लितानी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय नेता है, वो नॉमिनेशन के वक्त आए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये बिल्कुल सवाल था कि जेजेपी प्रचार के लिए मैदान में उतरेगी या नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आदमपुर हलके के सबसे बड़े गांव बालसमंद में, जो कि एक जाट बाहुल्य गांव है, वहां एक जनसभा करने जा रहे हैं, तो अब इससे ये लग रहा है कि पूरी जेजेपी पार्टी भी प्रचार के लिए, प्रत्याशी के लिए मैदान में उतरेगी। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से आज की ये जो जनसभा रहने वाली है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां पर पहुंचेंगे, तो इसी के साथ एक ये भी संदेश यहां पर पहुंचाने की कोशिश आम जनता तक की जाएगी कि बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन एकता की। इसी के साथ कांग्रेस को लेकर भी हम सवाल करना चाहेंगे कुलदीप। देखिए, कांग्रेस के लिए वर्चस्व का सवाल इस समय आदमपुर सीट बनी हुई है, बावजूद इसके कोई बड़ी जनसभा कांग्रेस के नेताओं की ओर से नहीं की गई, बल्कि गांव गांव जाकर दौरा किया जा रहा है। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हालांकि जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम ये बड़े नेता मैदान में है। इसके अलावा गुटबाजी के चलते ये कहें तो
और कोई भी बड़े नेता कुमारी शैलजा है हिसार में होकर भी आदमपुर उपचुनाव में नहीं पहुंची, रणदीप सुरजेवाला है, इसके अलावा किरण चौधरी है, और कोई भी बड़े नेता है उपचुनाव में देखने को नहीं मिले। हालांकि हुड्डा गुट के तमाम जो है नेता मैदान में है, शुरुआत से ही मैदान में है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो है गांव गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, बजाय इसके किसी बड़ी सभा या शक्ति प्रदर्शन दिखाने की बजाय वो लगातार घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस बिल्कुल इस प्रयास में लगी हुई है किसी न किसी तरीके से जो है वर्चस्व बना रहे और अच्छे वोट कांग्रेस को इस उपचुनाव में मिले, इस तरह की कोशिश तमाम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि जयप्रकाश जो है आदमपुर उपचुनाव के लिए कोई नए उम्मीदवार नहीं है, इससे पहले भी हिसार से वो 3 बार सांसद रह चुके हैं, आदमपुर में चुनाव भी लड़ चुके हैं भजनलाल परिवार के सामने, 2009 में वो चुनाव लड़े थे और करीब 6000 वोटों से वो हार गए थे। तो इस बार संभावना है कि वो अपने वोटों में और वृद्धि करेंगे, जिस तरीके से पिछली बार वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे, इस बार पूरी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस का घटता हुआ दिखाई दे रहा था, कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये कोशिश रहेगी कि उस परसेंटेज में वृद्धि यहाँ पर जरूर देखने को मिले। शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।